नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। 11 जनवरी 2024 साल की पहली और बड़ी अमावस्या पौष अमावस्या के दिन बना दिव्य दुर्लभ महाशुभ संयोग। 11 जनवरी पौष अमावस्या की रात इन तीन जगहों पर रख दे, नमक महालक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी, आपके घर कंगाल भी होंगे, करोड़पति मिलेंगी, सभी संकटों और कष्टों से मुक्ति, सात पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा, कंगाल भी होंगे, करोड़पति गरीबी का दरिद्रता का नामो निशान खत्म हो जाएगा, जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी, सभी दुख दर्द संकट माता लक्ष्मी दूर करेंगी, यूं कहें कि स्वयं दौड़ी चली आएंगी। माता लक्ष्मी आपके घर, यदि आप पौष अमावस्या की रात इन तीन जगहों पर नमक रख देते हैं, रातों रात आपकी किस्मत चमक जाएगी, धन से माला माल बन जाओगे, बैंक बैलेंस की कोई कमी नहीं रहेगी। इतने दुर्लभ संयोग में इस बार पौष अमावस्या, दोस्तों नमक से जुड़े इन उपाय को जो भी व्यक्ति कर लेगा, गरीबी का तो नामो निशान खत्म हो जाएगा, गरीबी घर का रास्ता भूल जाएगी, कोसों दूर रहेगी गरीबी, और माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर में दौड़ी चली आएंगी, माता लक्ष्मी का वास आपके घर में हो जाएगा। तो दोस्तों, कौन से उपाय हैं नमक से जुड़े जो कि आपको पौष अमावस्या के दिन जरूर करने हैं, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो। वैसे तो आपको बता दें कि यह पौष अमावस्या इसलिए भी खास है क्योंकि गुरुवार का दिन भगवान विष्णु जी का दिन होता है। यदि आप इस उपाय को करेंगे तो माता लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाएंगी। तो दोस्तों, उपाय बताने से पहले माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त गरुड़ धर्मार्थ चैनल की इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जाइए मां लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। दोस्तों, सबसे पहले तो बता दें कि सनातन धर्म में अमावस्या की तिथि बहुत खास महत्व रखती। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि को अमावस्या आती है। ऐसे में पौष माह में साल 2024 की पहली अमावस्या पड़ रही है। हिंदू शास्त्रों में पौष अमावस्या को सूर्य देव और पितरों की पूजा के लिए खास माना गया। पौष अमावस्या को छोटा श्राद्ध भी कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या तिथि पर गंगा नदी या फिर अन्य किसी पवित्र नदी में स्नान आदि करके पितरों के तर्पण आदि किया जाता है। ऐसा करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। अमावस्या तिथि पर किए गए दान से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसे में इस दिन चंद्रमा से जुड़ी वस्तुएं जैसे दूध, चावल, चांदी, सफेद वस्त्र आदि का दान अपने श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार जरूर करें। ऐसा करने से साधक को सुख समृद्धि की प्राप्ति हो जाती है और इस दिन गुरुवार का दिन है। तो भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी का पूजन करें, विधि विधान से उनकी आराधना करें, आरती उतारे और अन्न धन वस्त्र जो भी आपसे बने दान जरूर करें। अपने पितरों के निमित्त आपके सभी दुख दर्द दूर हो जाएंगे। भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपकी समस्त मनोकामना को पूर्ण कर देंगे, आपके पितर प्रसन्न हो जाएंगे। यदि आप अन्न धन वस्त्र अपने पितरों के निमित्त दान करते हैं तो पितरों की भी खास कृपा आपको प्राप्त हो, वंश वृद्धि का आपको आशीष देंगे। और अब बात करें नमक से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन यानी पौष अमावस्या के दिन जरूर करने हैं, जिससे माता लक्ष्मी आपके घर में दौड़ी चली आए, गरीबी का नामो निशान खत्म हो जाए और कंगाल भी करोड़पति बन जाए, धन से मालामाल हो जाए, बैंक बैलेंस की कमी ना रहे। तो ध्यान से सुनना, कौन कौन से उपाय जिस प्रकार बताए उसी प्रकार इन उपायों को करोगे तो ही लाभ मिलेगा। तो इसीलिए पूरा वीडियो ध्यान से सुनना और समझना शुरू करते हैं। नमक से जुड़े कौन कौन से उपाय है जी की पौष अमावस्या के दिन आपको करने हैं, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नमक का प्रयोग हम खाने पीने की चीजों में करते हैं। जरा सा नमक खाने में कम ज्यादा हो जाए तो खाने का टेस्ट बिगड़ जाता है। कहने का मतलब है कि नमक का हमारे खान पान में बहुत महत्व होता है। क्या आप जानते हैं कि साधारण सा दिखने वाला यह नमक के साथ साथ आपकी किस्मत के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। नमक को तंत्र एवं वास्तुशास्त्र में भी खास प्रयोग में लिया जाता है। खान पान का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ खुद को बुरी नजर से बचाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है।
हमारे तंत्र शास्त्र में नमक को चंद्रमाएं और शुक्र का प्रतिनिधि माना जाता है। नमक से जुड़े कई ऐसे वास्तु उपाय किए जाते हैं जिन्हें करते ही आपकी सभी समस्याएं खत्म हो हैं और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होती हैं। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको नमक के कुछ ऐसे उपाय और टोटकों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, नमक का प्रयोग कई तंत्र और मंत्र के टोने टोटके में भी किया जाता है। तंत्र शास्त्र में कहा गया है कि नमक नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करता है। कुछ लोग तो वशीकरण के लिए भी नमक का बहुत उपयोग करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि नमक चार तरह का होता है, आयोडाइन, काला नमक ढेली या साबुत नमक और सेंधा। नमक तंत्र मंत्र में घर की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए काला नमक या सेंधा नमक का यूज किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि नमक को कभी भी किसी व्यक्ति को अपने सीधे हाथ से नहीं देना चाहिए। कहते हैं कि सीधे हाथ से नमक देने से इंसान से आपकी लड़ाई सकती है। तंत्र शास्त्र के अनुसार यदि नमक को सही तंत्र मंत्र के साथ प्रयोग किया जाए तो आपको रातों रात अमीर बना सकता है, आप धन से मालामाल भी बन सकते हैं। जी हां दोस्तों, पोछा लगाते समय मिलाएं नमक, दूर होगी धन की कमी। जी हां दोस्तों, आप जब भी अपने घर में पोछा लगाएं तो उसमें कुछ नमक जरूर मिला दें। ऐसा करने से आपके जीवन की जो भी परेशानियां हैं खत्म हो जाएंगी। कम से कम आप हफ्ते में बार तो ऐसा जरूर करें। कहते हैं कि घर में नमक वाला पोछा लगाने से शीघ्र ही धन की प्राप्ति होती है। ये नमक पूरे घर को पॉजिटिव ऊर्जा से भर देता है और घर में जो भी नेगेटिव ऊर्जा है वह बाहर निकल जाती है। इसलिए आप घर की तरक्की के लिए नमक के पोछे को जरूर लगाएं और साथ ही साथ नमक को कांच की प्याली में भरकर शौचालय या फिर स्नान घर में जरूर रखें। जहां दोस्तों, नमक और कांच दोनों को ही राहु का माना जाता है, इसीलिए यदि आप नमक को कांच की प्याली में भरकर शौचालय या फिर स्नान घर में रखेंगे तो वहां से नेगेटिव एनर्जी का नाश होता है। इसके अलावा इस उपाय से वहां मौजूद सूक्ष्म कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आप अपने घर के शौचालय या फिर स्नान घर में एक कांच की कटोरी में नमक जरूर रखें। तंत्र शास्त्र में एक और प्रयोग बताया गया है कि नमक को कांच की प्याली में भर के उसके अंदर चार पांच यदि आप लौंग दें, ऐसा करने से घर में धन की बरकत होती है और मां लक्ष्मी का आगमन होता है। घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है। साथ ही साथ नमक वाले पानी से बच्चे को नहलाए। जी हां दोस्तों, यदि हफ्ते में आप एक बार बच्चों को चुटकी भर नमक डालकर पानी से स्नान कराएंगे तो बच्चों को बुरी नजर नहीं लगेगी। साइंटिफिक रीजन भी है कि ऐसा करने से उन्हें एनर्जी से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। ही साथ यदि आपके घर में सदैव गृह क्लेश रहता है तो नमक का यह प्रयोग जरूर करें। जी हां दोस्तों, पति पत्नी में झगड़ा होता हो या फिर घर में तनाव के हालात रहते हो, घर में सदैव वाद विवाद रहता हो, तो इसे दूर करने के लिए आप कांच की कटोरी या फिर कांच के गिलास में सेंधा नमक डालकर बेडरूम या बाथरूम फिर आप घर के किसी भी कोने में रख सकते हैं। नमक नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेगा और घर में हालात सुधर जाएंगे और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। और साथ ही साथ यदि आपके घर में कोई बीमार रहता हो तो आप नमक का यह प्रयोग जरूर करें। यदि कोई लंबी बीमारी से ग्रस्त है तो उसके सिर में आप कांच के बर्तन में नमक रख दें। एक हफ्ते पश्चात उस नमक को बदल कर दोबारा नमक रखें। धीरे धीरे उसकी सेहत में सुधार होने लगेगा। साथ ही साथ नमक का यह महत्वपूर्ण उपाय हम आपको बता देते हैं, जिन लोग को नौकरी नहीं मिल रही या फिर बिजनेस में घाटा हो रहा है तो उनके लिए शास्त्र में यह उपाय बताया गया है। इसके लिए आपको अपने हाथ में पिसा हुआ नमक लेकर उसे सिर पर से तीन बार घुमा लेना है। फिर आप इस नमक को दरवाजे के बाहर फेंक दें। ऐसा लगातार तीन दिन करें। यदि इससे भी आपको लाभ ना मिले तो नमक को सिर पे से तीन बार उतार कर शौचालय में डालकर आपको फ्लैश कर दें। इससे निश्चित ही आपको जल्द ही फायदा मिलेगा। साथ ही साथ ज्योतिष शास्त्र के अनुसार साबुत नमक या डेली वाला नमक को लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध दें। इससे आप अपने कार्य क्षेत्र में भी मुख्य द्वार पर भी टांग सकते हैं। इससे नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही डेली वाले नमक को लाल रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी में भी रख सकते हैं।
ऐसा करने से आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी हो जाएगी और आपको धन लाभ के अनेकों अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही साथ शास्त्रों में राहु केतु को छाया ग्रह माना गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार नमक व कांच दोनों का ही संबंध, राहु और नकारात्मक ऊर्जा का संबंध केतु से है। ऐसे में सिर्फ कांच की एक कटोरी में नमक भरकर बाथरूम में रख दें। ऐसा करने से राहु व केतु के अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा घर में बनी रहती है, जिससे घर में सुख समृद्धि होती है। परंतु ध्यान रखें कि नमक को हर 15 दिन के पश्चात आप जरूर बदलें और साथ ही साथ भोजन करते समय आपको दाल या सब्जी में यदि नमक या मिर्च कम लगे तो ऊपर से आप उसमें नमक और मिर्च ना डालें। ऐसे में आप काला नमक या काली मिर्च का ही प्रयोग करें। ऐसा करने से शनि चंद्र और मंगल का दुष्प्रभाव भी नहीं होगा। साथ ही साथ यदि आप पैसों की से जूझ रहे हैं, पैसों की आपको परेशान कर रही है, तो आप क्या करें, कांच के गिलास में सेंधा नमक ऑफ दो लौंग डालकर, जिसे आप अपनी तिजोरी या फिर अलमीरा या फिर अपने घर के जो किचन है वहां पर रख सकते हैं किसी भी कोने में। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करने से नेगेटिव एनर्जी खत्म होगी और पॉजिटिव एनर्जी घर में प्रवेश करेगी। और आपको ऐसा करने से आपके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहेगी और माँ लक्ष्मी का सदैव आपके ऊपर आशीर्वाद बना। और साथ ही साथ यदि आपको विरोधियों से बचना है तो नमक का यह प्रयोग करें। जी हाँ दोस्तों, कार्यस्थल पर कई बार कुछ सहकर्मी हमारे विरोधी हो जाते हैं। ऐसे में ना चाहते हुए भी कार्यस्थल में हमारे काम में बाधाएं आती हैं और हम जो काम अच्छे से संपन्न करना चाहते हैं वे नहीं कर पाते। जाहिर है यदि आपके मन में ईर्ष और दोष की भावना नहीं होती है तो आप अपने व्यवहार से ही अपने विरोधियों को परास्त कर सकते हैं। मगर इतना करने से भी यदि आप अपने अपना मित्र नहीं बना पा रहे हैं तो आपको अपने पास एक डिब्बी में थोड़ा सा नमक डालकर जरूर रखना चाहिए। ऐसा करने से विरोधियों द्वारा आपके लिए फैलाई जा रही नकारात्मकता नष्ट हो जाती है। और साथ ही साथ यदि आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना है तो नमक का यह प्रयोग जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, यदि आप बहुत समय से आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं और हर उपाय अपनाने के बावजूद भी आपको कोई लाभ नहीं मिल, तो आपको अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में पानी में नमक घोलकर रख देना है। जी हाँ दोस्तों, हर दिन आपको यह पानी बदलना है। ध्यान रखिए, जो भी आप पानी में नमक घोलकर रखिए वह कांच की शीशी होनी चाहिए। ऐसा करने से आपको अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार महसूस होने लगेगा, आपको धन लाभ प्राप्ति के योग्य बनने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ धन की देवी मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए नमक का यह प्रयोग आप जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, धन की देवी मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप एक लाल कपड़े में सफेद नमक के कुछ टुकड़े रखकर उसे तिजोरी के अंदर रखिए। नमक केवल पानी में ही नहीं बल्कि हल्की हवा में भी घुल जाता है। ऐसे में जब भी आपको महसूस हो कि लाल कपड़े में रखा हुआ नमक खत्म होने लगा है तो आप उसमें और नमक डाल दें। जी हाँ दोस्तों, आप लाल कपड़े में नमक बांधकर अपनी तिजोरी में रख सकते हैं या फिर थोड़ा सा नमक लाल कपड़े में बांधकर आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको धन लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे और धीरे धीरे आपके धन में वृद्धि होने लगेगी। किसी ना किसी माध्यम से आपको धन की प्राप्ति होने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको नमक से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताए हैं। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।